सहेली पाकिस्तान की एक सुपरहिट फिल्म थी जिसने दो अदाकाराओं की फिल्मी तकदीर भी लिख डाली थी। एक थी नैया सुल्ताना और दूसरी थी शमी मारा। फिल्म सहेली में कास्ट होने के लिए उस दौर की कई बड़ी एक्ट्रेसेस में जंग और साजिशें हुई, मगर फिर मैदान किसने मारा था, ये कहानी आज के इनकलाबी वीडियो में आपको सुनाएंगे। दोस्तों, फिल्म की दुनिया में कोई नेक परवी नहीं होती, सब कहानियाँ हैं शराफत और हया की। अगर कभी कोई ऐसा करैक्टर मिल भी जाए तो फिर इसको मौजा ही कहना चाहिए। पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया इंडिया की फिल्मी दुनिया से इस लिहाज से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है कि यहाँ ज़्यादातर फिल्म और सिनेमा पर हुक्मरानी करने वाली एक्ट्रेसेस का ताल्लुक बाजार हुस्न से होता है और ये आज तक जारी है, वही उनकी एकेडमी है। जब नगीनों जैसे हुस्न और सलाहितों वाली लड़की बाजार हुस्न से फिल्म की दुनिया में वारद हुई तो उसने अपनी कामयाबियों के लिए रास्ते की हर दीवार को गिरा दिया, या फिर वो उस दीवार को गिरा न सकी तो फलांग कर अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश की। हमने माजी की कई नामवर एक्ट्रेसेस की कहानियां आपको सुनाई हैं, तो आज फिर आपको अदाकारा और हदायतकारा शमी मारा की ज़िंदगी का रुख आपको दिखाते हैं कि कराची के बाजार हुस्न से फिल्मी दुनिया में लाने के लिए उनकी नानी इकबाल बेगम ने कितने समुद्रों का पानी पिया था। वो बड़ी असूल परस्त थी, नवासी को हया इखलाक और शराफत सिखाई थी मगर कारोबार के हुनर भी सिखाए थे। शमी मारा को फिल्मों में लाने के लिए नानी ने सबसे पहले कराची के एक सहाफ़ी की मदद से शमी मारा की चेहरा शनासी आम की थी और उन्हें 1956 में रिलीज़ होने वाली फिल्म कंवारी बेवा में कास्ट कराया था। ये फिल्म नाकाम रही, लेकिन इस एक फिल्म के बाद नानी ने शमी मारा का सफ़र रुकने ना दिया और उसी साल मिस 56 के नाम से भी एक फिल्म बनी तो शमी मारा को इसमें कास्ट करा दिया। अगले 3 साल तक कई नाकाम फिल्मों में शमी मारा को चांस दिलवाया, जिनमें अनारकली, वार जमाने, आलमरा, अपना पराया, फैसला, जायदाद, सवेरा, मजलूम, राज, भाभी और ऐसी कई और फिल्में भी शामिल थी। मगर शमी मारा की तकदीर नहीं खुल पाई थी, इसलिए कि इन फिल्मों में शमी मारा को जो किरदार दिए जाते थे वो उसकी शिनाख्त को पक्का नहीं करते थे। बिलाखिर नानी अम्मा ने 1960 में एक ज़बरदस्त गेम खेली और अपनी शर्मीली सी खामोश रहने वाली शमी मारा को ढील देना शुरू कर दी। नानी ने इंडिया से पाकिस्तान आने वाले उस वक्त के सबसे बड़े हदायतकार एसएम यूसुफ के दिल पर दस्तक दे दी। एसएम यूसुफ ने उन दिनों फिल्म सहेली बनाने का ऐलान किया था। नानी ने फिल्म सहेली में शमी मारा को कैसे कास्ट कराया था, ये जान लीजिए कि ये एक ऐसी जंग और कारोबार है जो फिल्मी दुनिया में काम हासिल करने के लिए किया जाता है। शमी मारा के इंतहाई करीबी दोस्त मोहसन और राजदार ने शमी मारा की फिल्म सहेली में कास्ट किए जाने की एक दास्तान भी लिखी थी जो कई जगह शाया हो चुकी है। मैं आपको इसमें से एक मुख्तसर सी दास्तान सुनाई देता हूं ताकि आपको इल्म हो सके कि फिल्म की दुनिया में नाम और काम कैसे हासिल करके पैसा कमाया जाता है। 1960 में एसएम यूसुफ बम्बई से लाहौर में आए थे और उन्होंने आते ही फिल्म सहेली बनाने का ऐलान कर दिया था। सहेली का मौजू ही इंतहाई अनोखा था। इसकी कहानी दो सहेलियों की थी जो एक ही मर्द के साथ शादी करना चाहती हैं। यह मौजू अपने एतबार से बिल्कुल नया था और इस पर जब फिल्म बनाई गई तो इंतहाई कामयाब रही। बम्बई से आने वाले पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया में वैसे भी अहम समझे जाते थे, फिर एसएम यूसुफ का तो नाम भी बहुत बड़ा था। यूसुफ साहब ने जब कास्ट के इंतखाब की तरफ तवज्जो दी तो उनके सामने कई तजावीज़ पेश की गई थी। अपनी इस फिल्म के लिए उन्हें दो हीरोइनों की तलाश थी। दोनों के किरदार यकसा अहम थे। दोनों के लिए अदाकारी की सलाहितों का होना बहुत ज़रूरी था। उन्हें ग्लैमर से ज़्यादा अदाकारी की ज़रूरत थी। एसएम यूसुफ का नाम इतना बड़ा था कि हर बड़ी हीरोइन उनकी फिल्म में काम करने की आरजू मानती। उनमें शमी मारा भी शामिल हो गई। इकबाल बानो के तजर्बे का निगाहों ने यह भांप लिया था कि सहेली शमी मारा के करियर की एक इनकलाबी फिल्म बन सकती है। चुनाचे उन्होंने इस फिल्म में शमी मारा को किरदार दिलाने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी। स्टूडियो में तो वो एसएम यूसुफ से मिलती ही रहती थी, मगर फिर उन्होंने अपने घर पर भी एसएम यूसुफ को बुलाना शुरू कर दिया। एसएम यूसुफ फैशनज़दा और ग्लैमरस एक्ट्रेसेस को देखने के आदि थे। लाहौर में शमी मारा का साफ सुथरा सादा मगर ढंग से सजा हुआ घर देखकर वो सोचने पर मजबूर हो गए थे। शमी मारा की बाज़ फिल्में भी उन्होंने देखी और शमी मारा को भी गौर से देखा, मगर फैसला करने में वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। जब इकबाल बानो ने देखा कि सहेली में शमी मारा की शमूलियत आसान काम नहीं है तो उन्होंने अपने पेशा वराना तजर्बात का बरोएकार लाने का फैसला कर लिया। इससे पहले उनका मामूल था कि वो साय की तरह शमी मारा के साथ लगी रहती थी। कोई उनके घर पर मुलाकात के लिए आता भी तो शमी मारा से मुलाकात बहुत सोच समझ कर कराई जाती थी, लेकिन एसएम यूसुफ और सहेली की खातर उन्होंने अपने असूलों को बदल दिया और शमी मारा को तनहा एसएम यूसुफ के घर भेजना शुरू कर दिया। एक फिल्मी अदाकार एक रोज़ रात को 10 बजे के करीब एसएम यूसुफ के बंगले पर पहुंचा तो बाहर शमी मारा की कार खड़ी थी। ड्राइंग रूम में शमी मारा के मामू तशरीफ फरमाते और जब उन्हें यूसुफ साहब ने बेडरूम में तलब किया तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके बेडरूम में शमी मारा भी अकेली तनहा उनके साथ बैठी थी। ये एक नाकाबिले यकीन बात थी
खासतौर पर शिमी मारा और नानी अम्मा के गुज़श्ता मामूल के पेश नज़र इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, मगर इकबाल बेगम के पास हरबों की कमी नहीं थी। उन्होंने सहेली में किरदार हासिल करने के लिए अपने असला खाने का आखिरी मौसर हथियार भी आजमा लिया था और अपने मकसद में कामयाबी भी हासिल कर ली थी, क्योंकि चंद दिन बाद जब सहेली की कास्ट का ऐलान किया गया तो इसमें दर्पण नैयर सुल्ताना के हमराह शिमी मारा का नाम भी शामिल हो चुका था। सहेली फिल्म ही वाहिद ऐसी फिल्म है जिसके बाद शिमी मारा को अरूज मिलना शुरू हो गया था।